एकता में ही बल है। एक जंगल में एक कबूतरों की टोली रहती थी जो हमेशा साथ रहते थे, साथ में खेलते, साथ में खाते और वो एक साथ बहुत खुश थे। एक दिन उनकी टोली एक पेड़ के ऊपर बैठ गई थी। अरे नीचे देखो, बहुत सारा अनाज पड़ा हुआ है। अरे ये नीचे किसने डाला? लगता है कोई हमें फंसाना चाहता है, तभी तो इतना मीठा जाल बिछाया है। मुझे तो लगता है किसी ने अपना बस्ता गिरा लिया और उसके सारी सामग्री नीचे फैल गई। अरे नहीं नहीं, ये तो जाल ही है, देखो कहीं शिकारी छुपा होगा। अरे नहीं, यहाँ पे तो कहीं शिकारी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं तो चली, अभी मुझसे रुका नहीं जा रहा है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। सब कबूतर मिलकर नीचे दाना चुगने चले गए। वो मजे में दाना खा रहे थे। वाह कितना स्वादिष्ट है, यम्मी। मेरा पेट भर गया, चलो मैं पेड़ पर आराम करता हूँ, तुम लोग आ जाओ। कबूतर उड़ने की कोशिश कर रहा था मगर वो उड़ नहीं पा रहा था। अरे ये क्या, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। अरे देखो तुम्हारे पैर फंस गए। अरे नीचे देखो, तुम्हारे पैर भी फंस गए। लगता है हम सब शिकारी के बिछाए हुए जाल में फंस गए। अब हम क्या करें? हे भगवान, शिकारी आ रहा है, कुछ तो करो। अरे मेरे पास एक आइडिया है, हम सब ऐसा करते हैं। क्या करें? जल्दी कहो, शिकारी आ रहा है, समय बहुत कम है। हम सब एक साथ जाल के साथ उड़ जाएंगे। मैं 1, 2, 3 गिनूंगा, तुम सब तैयार हो जाना, सब एक साथ उड़ो, अपनी सारी शक्ति लगा दो। हम सब तैयार हैं। तैयार? 1, 2, 3। सारे कबूतर जाल के साथ एक साथ उड़ गए। अरे ये क्या, कबूतर सब एक साथ उड़ गए। हाय राम, इनके एकता ने तो मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। मेरा अनाज और मेरे जाल सबसे हाथ धो बेटा मैं। अरे अब हम क्या करेंगे, हम तो इस बड़ी जाल से बाहर भी नहीं निकल सकते। हम इसे चूहे के पास ले चलते हैं, वो हमारा जाल काट देगा। हम सब मिलकर एक साथ जंगल की ओर चले जाएंगे। इस तरह सारे कबूतर एक साथ तैयार होकर चूहे को ढूंढते हुए जंगल में चले जा रहे थे। उड़ते उड़ते उनकी टोली चूहे के पास आ गई। अरे मित्रों, ये क्या हुआ, तुम इस जाल में कैसे फंस गए? कबूतर ने सारी बात चूहे को बता दी। फिर चूहे ने अपनी झुंड से कहा, चलो हम सब मिलकर जाल को कुतर देते हैं। सब चूहों ने मिलकर जाल को कुतर दिया और सारे कबूतर आजाद हो गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, इस तरह हम एकजुट होकर काम करेंगे तो हर मुसीबत का हल निकल आएगा। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।